बीजेपी विधायक मंदाताई माथे ने आज बेलापुर में श्री गोवर्धनी मंदिर प्रवेश द्वार का शिलान्यास किया। नई मुंबई महानगर पालिका कर्नाटक की वास्तु शैली के अनुसार इस प्रवेश द्वार का निर्माण करने वाली है, जिस पर कुल 46 लाख का खर्चा होने वाला है। इस अवसर पर बीजेपी जिला अध्यक्ष रामचंद्र गरग, निवर्तमान नगर सेवक डॉक्टर जयाजी नाथ, दीपक पवार, राजेश राय समेत बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद थे। देखिए रिपोर्ट। बेलापुर में मां गोवर्धनी देवी मंदिर के लिए नए प्रवेश द्वार का निर्माण होने वाला है। आज बीजेपी विधायक मंदाताई मात्रे ने इस प्रवेश द्वार का शिलान्यास किया। इस अवसर पर बीजेपी जिलाध्यक्ष रामचंद्र गरग, निवर्तमान नगर सेवक डॉक्टर जयाजी नाथ, दीपक पवार, उत्तर भारतीय मोर्चा के जिलाध्यक्ष राजेश राय समेत कई पदाधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद थे, जिनकी उपस्थिति में पारंपरिक विधि विधान से विधायक मंदाताई मात्रे ने भूमि पूजन किया। बीजेपी विधायक मंदाताई मात्रे ने बताया कि कर्नाटक के मंदिरों की वास्तु शैली की तर्ज पर इस प्रवेश द्वार का निर्माण नवी मुंबई महानगर पालिका करने वाली है, जिस पर 46 लाख का खर्च होने वाला है। उन्होंने बताया कि किले गांवठान में उड़ान पुल बन जाने से अक्सर माता गोवर्धनी के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को मंदिर में कहाँ से जाना है इसका पता नहीं चल पाता, जो प्रवेश द्वार के बनने से उन्हें आसानी होगी। आज से शुरुआत कर रहे गोवर्धनी माता का प्रवेश द्वार की, क्योंकि माता का मंदिर पहाड़ी पर है, लोगों को रास्ता मालूम नहीं होता है, इसलिए प्रवेश द्वार होगा तो वो लोग बराबर जा सकते हैं। प्रवेश द्वार जल्द से जल्द तैयार होगा और इसको 46 लाख का निधि हम लोग ने माँ पालिका से लेकर एक काम हम लोग कर रहे हैं। बताना जरूरी है कि आने वाले समय में नई मुंबई एयरपोर्ट और मरीना प्रोजेक्ट एवं बेलापुर किले का जीर्णोद्धार होने वाला है, जिसके बाद नई मुंबई खासकर बेलापुर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पर्यटन विकसित होगा। बीजेपी विधायक मंदाताई मात्रे ने विश्वास जताया कि नए उपक्रमों के तैयार होने से बेलापुर के सौंदर्य को चार चांद लग जाएंगे। पर्यटन क्षेत्र बन रहा है, एयरपोर्ट आ रहा है, नवी मुंबई विमानतल बन रहा है, सब जेटी बन रही, प्रवासी जेटी के लिए कल मैंने ऑफिसर लोगों को जो 10% वो लोग जो लेते थे पैसा गवर्नमेंट, उनको 5% मैंने कर दिया, प्रवासी का भी कम पैसा लगेगा, उसके लिए भी मेरा प्रयास चालू है। और एक पर्यटन क्षेत्र बनना चाहिए ताकि जो लोग आएंगे वो नवी मुंबई को देखेंगे, नवी मुंबई दर्शन करके बस भी अपनी दौड़ेगी, फिर अपने दिमाग में बहुत सारी आइडिया है, वो धीरे धीरे ही सब काम होगा, मगर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।